वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिन हो गया था मेरा कोई ऐसा व्लॉग नहीं आ रहा था जो टूर का हो, मतलब कहीं घूमने वूमने का हो, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मैं अकेला भी था, सो मैं कॉलेज वगैरह करता था, तो टाइम वगैरह कॉलेज से पता ही है 3-4 तो बजी जाते आते आते, तो क्या बंदा कहीं जा पाएगा। सो तो आज सैटरडे है और आज मेरा दोस्त भी आया था रुड़की से, क्योंकि उसकी भी छुट्टी है सैटरडे संडे की। सो तो आज हम घूमने आए हैं, दिखाते हैं गाइस, दिखाते हैं इसके पीछे क्या है। हिमाचल साइड ही आए हैं जहाँ पे हम पहले आए थे, बट अगर आपने जहाँ पे हम पहले आए थे वहीं पर आए हैं, बट उससे थोड़ी हम अलग जगह पे आए हैं। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में, वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। पर तो आपको हम दिखाते हैं चौहान डैम कैसा है, तो आ जाओ भाई, देख सकते हो हिमाचल ऊपर चढ़ना पड़ेगा गाइस, बहुत हार्ड है। कम तो देख सकते हो गाइस ये क्या है, यहाँ पे नाला है ना, नाला क्या ये, बहुत बदबू आ रही है। तो चले हम ऊपर गाइस। एक बात है, हमारे होशियारपुर से लेके यहाँ का 10 किलोमीटर का रास्ता है, पर ठंड इतनी हो जाती है ना, 10 या 15 किलोमीटर है मेरी, पर ठंड इतनी हो जाती है ना यहाँ पे आते ही, कोई बात नहीं। जिसके होशियारपुर में अगर हमने बस ये पहन रखा हो और उसके बाद ये पहनना पड़ जाएगा, यहाँ पर ठंड इतनी हो जाती है। और हम हमेशा गाइस जब भी जाते हैं कहीं घूमने हिमाचल वगैरह, सो तो हम सवेरे ही जाते हैं, क्योंकि सवेरे ही घूमने में मज़ा है। दोपहर में कौन घूमेगा, और शाम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शाम हो जाती है, सो सवेरे ही जो मज़ा है वो है। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं चौहान डैम। बस हो गई है, क्योंकि आपको पता है ऊंचाई में चढ़ने में कितनी बस हो जाती है। चलो सही है, हमारी रनिंग तो लग रही है। बस हमारी ये लास्ट मंजिल है और उसके बाद दिखाएंगे चौहान डैम। देख सकते हो कैसे व्यू यहाँ का, पूरा पहाड़ी इलाका है, सो देख सकते हो। ये होटल है ना जो ऊपर है, सो कम 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 मंजिल बहुत करीब आ गई है। यहाँ पे गाइस मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। जंगल में भी जाने वाले, वीडियो गाइस बहुत बड़ी होने वाली है, सो इसे एंड तक जरूर देखें। हमारे अंदर चूल है गाइस, देखो हनुमान जी बैठे हैं यहाँ पे, बट आपको दिखेंगे नहीं दिख पाएंगे। छोड़ो 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 कम, चलो हम आपको पानी दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पे देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम ब्लॉग बनाएंगे अपना। प्रीति कम 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 गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा, इसको आप पूरी देखना, बहुत मजा आएगा। अभी हम वहां पे जाएंगे पहाड़, उस साइड भी हमने जाना है, वहां पे कहीं पहाड़ वगैरह है, जरूर जाएंगे। और तो आप पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे व्यू, देख सकते हो गाइस कितना मस्त लग रहा है। पानी देख सकते हो कितनी लहर मार रही है, तेरी माँ का भरोसा। और मैंने
जो हाल पूरा देख सकते हो गाइस। सो कैसा लगा व्यू कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरी आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ज़रूर देखना। वो भी हिमाचल साइड की है, कपाट की, कपाट साइड की, वो भी बड़ा मस्त व्यू है वहाँ का भी। सो दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी हम जाएंगे गाइस अभी हम पहाड़ों के ऊपर। सो यहाँ पे पहले हम थोड़ी अपनी वीडियो वगैरह बना लेते हैं। बाकी यहाँ का गाइस व्यू देख सकते हो, कितनी शांति है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। देख सकते हो गाइस, दो मिनट चुप हो के देख लेते हैं। आ रही है किसी की आवाज़? बस यहाँ पे पक्षी वगैरह की आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, क्योंकि यहाँ पे अभी सवेरे का भी टाइम है। बाकी गाइस ये बात ज़रूर है, यहाँ पे आओ तो एक स्वेटर ज़रूर लेके आना, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 10-15 किलोमीटर है वहाँ पे। यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, लो पे ही होता है ना, कोल्ड हो जाता है। कोल्ड हो जाता है वो तो मेरे को पता है, बट जब लो होता है तो ही तो कोल्ड होता है। तो गाइस हम वहाँ पे जाएंगे तो आपसे मिलते हैं, तब तक हम करते हैं वीडियो बंद।